सीरीज टेस्ट लैंप। इसका उपयोग हम वायर और उपकरणों की कंटिन्यूटी जांचने के लिए करते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप बनाने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल: साइड कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, वायर स्ट्रिपर, बल्ब, लाल और काले रंग की वायर, 3-पिन टॉप और होल्डर। होल्डर का कनेक्शन: पहले वायर स्ट्रिपर की सहायता से वायर का इंसुलेशन निकाल लीजिए। वायर का इंसुलेशन निकालते समय स्ट्रिपर पर बल का प्रयोग कम करें। इससे वायर के कंडक्टर्स को हानि नहीं पहुंचेगी और इंसुलेशन निकलेगा। वायर्स के स्ट्रैंड्स को एक साथ करने के लिए उन्हें हाथों से मोड़ लें। इसके बाद दोनों वायर्स को होल्डर के कैप से बाहर निकाल लीजिए। फिर दोनों वायर्स को होल्डर के टर्मिनल से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जोड़ लें। उसके बाद कैप को होल्डर से जोड़ दें। 3-पिन टॉप का कनेक्शन: स्क्रू ड्राइवर की सहायता से 3-पिन टॉप का स्क्रू निकाल लीजिए और उसका कवर खोल दें। ये एक 3-पिन टॉप टर्मिनल है। दाएं ओर के टर्मिनल में फेज वायर या लाल रंग की वायर जोड़ी जाती है। 3-पिन टॉप के ऊपरी हिस्से के कवर पर फेज टर्मिनल को दर्शाने के लिए L लिखा जाता है। न्यूट्रल वायर हमेशा टर्मिनल के बाईं ओर जोड़ी जाती है। 3-पिन टॉप के कवर पर न्यूट्रल दर्शाने के लिए N लिखा जाता है। दोनों वायर्स एक स्लीव से निकाल लीजिए और वायर स्ट्रिपर की सहायता से इंसुलेशन निकाल दीजिए। उसके बाद लाल वायर को फेस टर्मिनल में स्क्रू ड्राइवर की सहायता से जोड़ें और काले रंग की वायर को न्यूट्रल टर्मिनल में जोड़ दीजिए। स्लीव को 3-पिन टॉप के तरफ ले आए और उसे अच्छी तरह फिट कर लीजिए। 3-पिन टॉप का कवर लगा लीजिए और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से स्क्रू बिठा लीजिए। अब साइड कटर की सहायता से लाल रंग की फेज वायर को बीच में काट दीजिए। वायर स्ट्रिपर की सहायता से आधे इंच तक फेज वायर का इंसुलेशन निकाल लीजिए और कंडक्टर को एक साथ करने के लिए उसे हाथों से मोड़ दीजिए। सीरीज टेस्ट लैंप की टेस्ट: ये एक पैरेलल बोर्ड है जिसमें हम टेस्ट लैंप को टेस्ट करेंगे। 3-पिन टॉप को सॉकेट में जोड़ दीजिए। स्विच ऑन करने के बाद फेज वायर के दोनों टर्मिनल जोड़ने पर सॉकेट पूरा हो जाता है और लैंप जलता है। सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से वायर की कंटिन्यूटी कैसे जांची जा सकती है? फेज वायर के दो टर्मिनल को वायर के बंडल के दोनों टर्मिनल के साथ जोड़ दें। अगर टेस्ट लैंप जलता है तो समझ लीजिए कि वायर में कंटिन्यूटी है और वह बीच में कहीं कटा नहीं है। अगर वायर बीच में कहीं कटा है तो टेस्ट लैंप नहीं जलेगा। इस तरह हम लंबी से लंबी वायर की कंटिन्यूटी जांच सकते हैं। सावधान रहें कि विद्युत प्रवाह शुरू रहने पर टेस्ट लैंप के फेज वायर को खुले हाथों से स्पर्श ना करें।